जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान को स्मरण किया जाए। उपयुक्त वचन महर्षि श्री वेद व्यास के हैं, जिनके वचन त्रिकाल सत्य हैं। वे कहते हैं कि शास्त्र में जितनी विधियां हैं, अर्थात ऐसा करो, और जितने निषेध हैं, अर्थात ऐसा नहीं करो, सबका अंतर्भाव, सबका प्रयवसान इसी में है कि निरंतर भगवान को याद रखो और कभी भगवान को मत भूलो। हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार परिवार इकट्ठे किए हैं, अनंत बार गृहस्थी की, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मोह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी हृदय से, सच्चे मन से श्री भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा, वरण नहीं किया। यह यदि किया होता तो फिर हम और हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिए इस बार अब भूल ना करें, हृदय की सारी शक्ति लगाकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। फिर प्रभु कृपा में हैं, वे देखेंगे कि ये सब अपनी नियत भर बाज नहीं आ रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, इसलिए अब मैं इन्हें संभाल लूँगा। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंब श्री भगवान के हृदय में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिया होगी, उनका संकल्प होगा और सब तत्क्षण उनके चरणों में पहुँच जाएंगे। देखिए, भगवान आज भी अपने भक्तों को उनके भावनानुसार कृतार्थ करने के लिए तैयार हैं। निष्काम भक्तों को प्रेमदान एवं दर्शनों के द्वारा तथा सकाम भक्तों को उनकी वांछित वस्तु देकर भगवान आज भी कृतार्थ करते हैं। हमारा विश्वास उठ गया है, जिसके कारण हम लोगों की तबाही है। भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, अन्यथा भगवान बिना किसी भेदभाव के सबको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मैं बारंबार आप लोगों से एक ही प्रार्थना किया करता हूं कि अधिक से अधिक भगवान का नाम लिया करें। बड़े बड़े संत महात्माओं का यह अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा वह उतनी ही शीघ्रता से भगवान की ओर बढ़ेगा। भगवान में श्रद्धा प्रेम होकर जल्दी से जल्दी उन्हें प्राप्त किया जा सके, इसका एकमात्र उपाय इस युग के लिए है नाम का आश्रय। इसलिए फिर भी यही प्रार्थना है कि चाहे हट से ही क्यों ना हो, वाणी का संयम कर और आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी का सब समय नाम जप में लगाएं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे अपने आप भजन में प्रेम होने लगेगा। भजन प्यारा लग जाने पर फिर भजन के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भजन होगा। जब तक ऐसा ना हो, तब तक हट से, विचार से, जैसे भी हो, अधिक से अधिक नाम जपें। भगवान की कृपा आपके साथ है, आप लोग चाहेंगे तो भगवान की कृपा से भजन अवश्य कर सकेंगे। देखें, भगवान केवल कहने सुनने की वस्तु नहीं है, सचमुच साधना का क्रियात्मक प्रयोग करके उन्हें प्राप्त करने में ही जीवन की सार्थकता है। यहाँ केवल सार वस्तु भगवान ही हैं। भगवान के लिए ही परिवार, बंधु, भाई सब हों। भगवान के मार्ग में रोकने वाली वस्तुएं सर्वथा त्याज्य हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों ने कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए, और हृदय से आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरीके से पूज्य बाबूजी बाबा और सब संतों की वाणियाँ आपके सन्मुख प्रस्तुत करता रहूं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री